टू टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ कोवेट बॉन्डेनिकमिस्ट्री सबको पता है इट कैन बी ब्रोकन इन टू मैनर्स होमोलिसिस एंड्रोलिसिस होमोलिसिस का मतलब इक्वल ब्रेकिंग एंड हेट्रोलिस मीन अन ब्रेकिंग अब ये दोनों कैसा होगा लेट इस ट्राइटर कंपाउंड ए बी वे ए इज बॉन्डेड टू बी कोवैलेंटली दोनों नॉन मेटल है लेकिन ए और बी का इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है वेरी लेस मतलब दे आर ऑलमोस्ट सेम क्लियर है और इट इज इक्वल टू बी एग्जैक्टली सेम नाउ नाओ विद्लीकेशन ऑफ हीट सपोज मैंने हीट अप्लाई किया है या तो डिफ्यूज सनलाइट और इन नॉन पोलर मीडिया हम लोग देखेंगे This bond is broken in an equal manner, where these pair of electrons, one of the electron goes to A and one of the electron goes to B, and it results into the formation of A with the electron and B with the electron. Now, this species which is formed is called as free radical. Okay, which is uh, very short-lived and is. Uh, Highly reactive in nature. In short -lived, मतलब इसका जो हाफ लाइफ है that is extremely less. मतलब कुछ सेकेंड्स के अंदर ही ये कंपाउंड ब्रेक होना चालू हो जाए टेन एस टू माइनस सिक्स सेकेंड से लेके टेन एस टू माइनस नाइन सेकंड तक इतना शॉर्ट हाफ लाइफ है मतलब हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग जैसे ही फॉर्म होगा इतने सेकेंड्स के बाद में इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग ओके सो इट्स वेरी रिएक्टिव इन नेचर तो दी आर द फ्री रार्डिकल्स अभी जब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इक्वली लेट्स एक एन एग्जाम्पल सपोज मैंने एक हाइड्रोजन आइटम लिया है दूसरे हाइड्रोजन आइटम से बॉन्डेड है द को को वायलेंट बॉन्ड इफ आई ब्रेक इट होमल्टिकली वन ऑफ द हाइड्रोजन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोस्ट टू दिस हाइड्रोजन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोस्ट टू दिस हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्री रार्डिकल और बेसिकली दटोमिक फॉर्म अगर वो आइटम में है तो एटोमिक तो फॉर्म में आ गया बिकॉज यहाँ पर इसका कॉन्फिग्रेशन हो गया वन एस वन क्लियर है

रिएक्शंस में दिया होगा हीट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड अगर ऐसा दिया होगा मतलब होमोलिसिस होगा इक्वल ब्रेकिंग होगा ओके सेकेंड कंडीशन ये है होमोलिसिस के लिए यू रिक्वायर अ नॉन पोलार मीडियम लाइक रिएक्शन में लिखा होगा प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलार सॉल्वेंट कार्बन डी सल्फाइड सी एस टू एक्सेट्रा तो नॉन पोलर मीडिया पोलरिटी नहीं होनी चाहिए मीडियम में और द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या तो कोई कोई जगह पे लिखा रहेगा डिफ्यूज सनलाइट या तो फिर ऐसा लिखा रहेगा डायरेक्ट सनलाइट तो ये कंडीशन भी होना चाहिए अगर ये कंडीशन हुई तो भी इक्वल ब्रेकिंग होगा और समटाइम विल राइट डाउन पेरोक्साइड आपको पता होगा पेरॉक्साइड ओ सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होता है फॉर एग्जाम्पल पेरोक्साइड में आपने देखा होगा एच टू एच ओ ओ एच माइनस वन माइनस वन पेरोक्साइड लेकिन द मोस्ट फेमस पेरॉक्साइड यूजेनिकमिस्ट्री इज बेंसाइड सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी बेनजल पेराक्साइड लिख के आता है तो पेरॉक्साइड आर प्रेजेंट होमोलिसिस पॉसिबल है क्लियर है या तो फिर कंडीशन होना चाहिए आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा सो इलेक्ट्रोलिसिस so, में जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सब में सबसे पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होता है और फ्री रेडिकल मेकेनिज्म वहां पर काम होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलबेज इलेक्ट्रोलिस एन ऑल फ्री रेडिकल मेकेनिज्म पे काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए पेरोक्साइड चाहिए और समटाइम यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली एड अनदर फ्री रेडिकल टू इज़ बेसिकली रिएक्शन इनिशिएट करेगा ओके okay, तो फ्री रेडिकल अगर आप सिस्टम में एड कर दो तो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा सो इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट होमोलिसिस या तो आप हीट करो या नॉन पोलर मीडिया और लाइट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्री रेडिकल ये सारी कंडीशन मेंशन होने चाहिए मतलब अपने फ्री रेडिकल ही एड कर दिया किसी सिस्टम के अंदर क्लियर है दैट रिजल्ट इन टू दी होमोलिस बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है होमोलिसिस के लिए आइटम है साथ में इन अ बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी वेरी लेस और सेम होने चाहिए जैसे दो एटम आपने सेम ही ले लिया नॉलेज से क्या वन मोर एग्जाम्पल अंदर फ्री रेडिकल के फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन मीथेन के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ वेरी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन का कुछ टू पॉइंट फोर के आसपास है तो हाइड्रोजन इज टू पॉइंट टू इट्स वेरी 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 लेस डिफरेंस सो इफ आई हीट इट इफ आई हीट इट एट अ हाई टेम्परेचर दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ब्रेक इक्वली सिंस देव अ वेरी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस वन इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन वन इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन एंड फॉर्म सी एच थ्री फ्री रेडिकल एच फ्री रेडिकल दिसिकल क्लियर और फ्री रेडिकल का अगर स्ट्रक्चर समझना है तो मिथाइल से अच्छा और कोई मॉलिक्यूल नहीं है समझने के लिए इनकेस ऑफ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल बेसिकली दिस कार्बन आटम लेक्ट्रॉन ठीक है एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यह पैड नहीं है एक ऑर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन बट दिस कार्बन एटम इज एस पी टू हाइड्रोडाइज एंड प्लेनर इन नेचर मतलब अगर मुझे मिथाइल कार्ब्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बनाना है तो इट हैज स्ट्रक्चर लाइक दिस सी एच

इनकम्प्लीट हाईली रिएक्टिव हाईली अनस्टेबल दैट इज़ अ रीज़न कि इतना फास्ट है रिएक्ट क्यों करता है ये इसका रीज़न तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इसके लिए हम लोग कोई कोई जगह पर इसको लिविस एसिड भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बट यहाँ पर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये टर्म यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा बट येस इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्टेट इज वॉट इनकम्प्लीट एंड इट लेटस टॉक अबाउट हेट्रोलिस इनकेस ऑफ हेट्रोलिसक्वल ब्रेकिंग आप समझ ही गए हो गए कि पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक ही आइटम पे शिफ्ट होगा तो सपोज ए और भी हमने कॉम्बिनेशन लिया है वे ए इज हैविंग वेरी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एज कंपेयर टू बी तो बी का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है यू एडेड ए बी इन टू अ पोलर मीडियम तो यहाँ पर पोलार मीडिया होना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर अनइक्वल ब्रेकिंग होगी नाउटायर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू बी देखो इन होमोलिस मैंने हाफ एरो बनाया है मतलब वन वन इलेक्ट्रॉन यर पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीट एरो बनाया सो इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस मतलब यहाँ पर आय बन रहे हैं कटायन एन अना अनुअल ब्रेकिंग दैट इज हेट्रोलिस और हेट्रोलिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है देर शुड बी अ

कटायन और कार्बोनियम आयन। इफ यू टॉक अबाउट दिस कार्बो कटायन अगेन दिस कार्बो कटायन इज सिमिलर टू फ्री रेडिकल वेर कार्बन इज एस टू हाइब्रिडाइज मतलब बेसिकली फ्री रेडिकल की तरह इसके तरह प्लेनर स्ट्रक्चर है सी एच 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 बट दिस पी ऑर्बिटल विल बी एम्प्टी। तो इसके आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इट एक्ट एज अ लुएस एसिड सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल इट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर एसपी टू हाइब्रोडाइज इसका फीचर याद रखना दिस इज विद रिस्पेक्ट दर्बोकटाइन ये उसका स्ट्रक्चर है चाहे आप कोई भी कार्बोकटाइन लो प्राइमरी लो सेकेंडरी लो टर्शरी लो इट ड मैटर ये उसका शेप होने वाला है एंड यू है पॉजिटिव चार्ज ये नाउ सपोज में कंपाउंड लेता हूँ ऑर्गेनो एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिथाइल लिथियम वेन इट ब्रेक्स लिथियम ऑब्बियसली मेटल इज दो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस मिथाइल विल कैरी अगेटिव चार्ज अब ये नेगेटिव चार्ज वाला जो स्पीशी हो गया दैट विल बी कॉल्ड एस कार्ब अनायन एंड इफ यू स्टडी द फीचर ऑफ कार्ब अनायन कार्ब अनायन के अंदर जो कार्बन है दैट कार्बन इज एसपी थ्री हाइड्रडाइज इफ इट इज नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब मतलब देर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स जैसा अभी अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच माइनस ओके तो यूर इन दिस केस द कार्बनायन इज विद दुगेशन सिगम पाए बॉन्ड डबल बॉन्ड तो ये कॉन्जुगेटेड हो गया अब इस केस में कार बनायन जो रहेगा वो एसपी होगा ठीक है बट नॉन कॉन्जुगेटेड में आया तो इट बिकम्स वर्ड एस पी थ्री अब एस पी थ्री का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा एस पी थ्री का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस एस पी थ्री है सी क्लियर है न इट हैज थ्री हाइड्रोजन अटैच टू इट सो वन चू एंड थ्री प्लस ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन सबको रिपेल करेगा रिपेल करने की वजह से इनके जो एंगल्स है वो कम हो जाएंगे 109 से कम हो गए द स्ट्रक्चर विल बिकम दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर द नेगेटिव चार्ज एच एच एंड एच इफ यू जॉइन ज्वाइन कॉर्नर्स दे विल लाइक अ पिरामिड तो बेसिकली ये पिरामिडल शेप में आ सकते हैं या तो आप इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल में बोल सकते हैं नाउ दिस एंटायर कार बनाइन हैज एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है दॉट कंप्लीट बट फीचर्स याद रखना एक एस पी थ्री है और बाकी के दो एस पी टू है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल है इन केस ऑफ कार्बो कटाइन वॉट इज अमिलैरिटी बोथ ऑफ दर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट द नीड इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास में द इलेक्ट्रॉन इज प्रिस इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी डायमैग्नेटिक है मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इनका रिस्पांस अट्रैक्शन की तरफ है ही नहीं देर बिकॉज हैव अ पैड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपैड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्री रेडिकल क्या हो गया पैरा मतलब इट शोज स्मॉल काइंड ऑफ अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड ओके नैक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन फ्री रेडिकल and carbon in detail.